रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह पुलिस अफसर के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म को न्यू ईयर पर रिलीज होने का फायदा भी मिलेगा। फिल्म का क्रेज देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म सिम्बा 200 करोड़ के क्लब में आसानी से शामिल हो जाएगी। सिम्बा फुल मसालेदार बॉलीवुड फिल्म है जहां रणवीर सिंह दबंग पुलिस वाले की भूमिका में दिखाई देंगे। लेकिन रणवीर सिंह से पहले भी बॉलीवुड के कई सुपरस्टार पुलिस अफसर के किरदार में नजर आ चुके हैं और सभी काफी पॉपुलर भी रहे थे। लिहाजा अब यह देखना है कि रणवीर सिंह सबसे ज्यादा कमाई के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर आ पाते हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं कलेक्शन के बारे में। पहले दिन इस मूवी ने कलेक्शन किया था 20 करोड़ 72 लाख का और दूसरे दिन इस मूवी ने 23 करोड़ के साथ तीसरे दिन भी 31 करोड़ 6 लाख की कमाई कर ली थी। चौथे दिन भी इस मूवी ने अच्छा कलेक्शन किया था। जी हाँ दोस्तों, चौथे दिन भी इस मूवी ने 21 करोड़ को पार कर लिया था और इसी के साथ पांचवें दिन भी इस मूवी ने 17 करोड़ को पार कर लिया है। बात करें सातवें दिन के कलेक्शन की प्रेडिक्शन की, तो ट्रेंड पंडितों के मुताबिक रणवीर सिंह की मूवी सिम्बा अपने सातवें दिन 10 से 15 करोड़ के बीच का कलेक्शन कर सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें पिछले सात दिनों में हुए टोटल इंडिया के कलेक्शन की, तो इस मूवी ने इंडिया से अब तक पूरे 140 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और वरिया से इस मूवी ने कमा लिए है 60 करोड़, जिसका ग्रॉस कलेक्शन होता है 165 करोड़। सारे कलेक्शन को ध्यान में रखकर अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो वर्ल्ड वाइड से इस मूवी ने 214 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रणवीर सिंह की मूवी सिम्बा ने जिस तरह अपने पहले हफ्ते में 100 करोड़ कमा लिए है, क्या उसी तरह यह फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं? हमारे साथ आपके जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और आने वाले कलेक्शन की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे स्पीडी न्यूज के साथ, ताकि लेटेस्ट रिलीज और आने वाली हर मूवी के कलेक्शन की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।